हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का टॉपिक है दुनिया के सबसे पहले 6G सैटेलाइट की, और आज हम इसी 6G सैटेलाइट के बारे में जानेंगे। गाइस, 9 नवंबर 2020 को चाइना लॉन्च करती है दुनिया की सबसे पहली 6G सैटेलाइट, और इस 6G सैटेलाइट को लॉन्च करने का मकसद है 6G टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना। इसके अलावा इस 6G सैटेलाइट के साथ में 12 और सैटेलाइट्स हैं जिनको लॉन्च करती है चाइना ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो कि आती है जांजी प्रोविंस के अंदर में। गाइज, ये जो 6G सैटेलाइट है ना, वो यूज़ कर रही है हाई फ्रिक्वेंसी 13 हर्ट्ज़ वेव्स को। यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूँ कि ये जो 13 हर्ट्ज़ वेव्स है ना, वो मदद करेगी 5G से भी कई गुना ज़्यादा डाटा ट्रांसमिशन स्पीड को अचीव करने में। यहाँ पे गाइज जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड को मापी गई है ना, वो कुछ यूँ है कि मान लो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में डाटा को ट्रांसमिट करनी है, तो वो 30 मिलीसेकंड्स के अंदर में ट्रांसमिट हो जाएगी। यहाँ पे गाइज मैं एक और बात आपको बता देना चाहूँगा कि जो अभी हम 4G यूज़ कर रहे हैं ना, उसको मेगाहर्ट्ज़ वेव्स में हम यूज़ लेते हैं, और जो हम 5G अभी यूज़ करने वाले हैं ना, वहाँ पे गीगाहर्ट्ज़ वेव्स को यूज़ में लेंगे। तो आप समझ सकते हो कि 13 हर्ट्ज़ वेव्स जो है वो कितनी ज़्यादा ट्रांसमिट स्पीड देगी। इसके अलावा गाइस, ये जो 6G सैटेलाइट है ना, इसके अंदर में कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो कि मदद करती है क्रॉप डिजास्टर मॉनिटरिंग करने में और फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन करने में। गाइस, इतनी ही डिटेल्स अभी निकल के आई है इसी 6G सैटेलाइट से। तो गाइस, यहाँ पे आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में।